नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत ठाकुर आज पहुंची हूँ डिंडौरी जिला के, यहाँ पर है निवास से 18 किलोमीटर दूर ग्राम बिछिया पर। यहाँ पर साहू जी हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया है, शायद कोई स्नेक देखा गया है। बने रहिए वीडियो पे, देखते और दिखाते, खतरा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, प्लीज कम ध्यान। एक मिनट, उससे पहले मैं साहू जी से आपका संपर्क कराता हूँ। आपका शुभ नाम सर जी? गोपाल प्रसाद साहू जी हैं, इनकी किराना दुकान है और यहाँ पर खाद्य पदार्थ बहुत सारे रहते हैं, चूहे वगैरह भी दुकान के अंदर होंगे, इसलिए स्नेक पहुँच गया है। प्लीज कम हेयर, देखते और दिखाते हैं। जी हेलो, हाँ पहुंच गए हैं। हाँ अभी ढूंढ रहा है, आया वो तो पूरा सामान रखो है, तय कर रहा हूँ मैं। हाँ वहाँ पे देखते रहिए गहरा सामान है रखा नहीं है, तो फिर वो आगे बढ़ रहा है। लंबाई कितनी थी उसकी? अरे बहुत लंबा है, अंदाज से बता, 10 फीट, 50 फीट, 100 फीट, ऐसा मैक्सिमम डाल रही थी। 3 फीट रहा होगा। 3 फीट हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ सर मैं। और दिखने में कैसा था? कबरा था, अजगर टाइप का कबरा। अजगर टाइप पर मतलब रसेल वाइपर। हाँ बहुत ही खतरनाक। हाँ वो एशिया का सबसे खतरनाक सांप है भैया, स्पीड पे मर जाओ उसकी। खलवान कलाई भी चाहिए। हमारे खास डरेज है ना, दिक्कत ही है। यहाँ नहीं है बिल, बिल भाई नीचे चला गया। तो साथ में है। ए बिंदु जाना हो तो साथ में है ना भैया, ने नीचे बोल। आगे चले गए रहे, फिर से फोन लगाए मेरे पास। जल्दी बोरी उठाओ, बोरी उठाओ भैया। कौन सी बोरी? पहले करो साफ कपड़े, साफ कपड़े मेरी, साफ कपड़े, साफ कपड़े झाड़ी है जी। फाट के जिस तरफ ने
जी जी बिल्कुल। आप दिखा नीचे से दोस्तों, ये किराना दुकान है और बहुत ही जद्दोजहद, बहुत मेहनत करने के बाद एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक सांप जिसे हम रसेल वाइपर कहते हैं, हीमोटॉक्सिन नाम के जहर का सबसे खतरनाक सांप यहां पर पाया गया, जिसे गांव देहात में परामन भी कहा जाता है। भैया इस साइड ले आओ ना, वहीं ना चले यार। अब भैया जब तक तुम्हारी दुकान के अंदर आप भाई साहब, तब तक टेंशन नहीं थे, अब टेंशन हो गई। अब तो बाहर है ना, मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं नीचे ले आओ ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, मत डराओ, मत डराओ यार। जब जब नहीं देखो रहा तब डर नहीं हो आप पड़ा। नहीं बर्नी नीचे ले आओ ना। भाई साहब अजगर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। एशिया के सबसे खतरनाक सांप में से एक है रसल वाइपर कहा जाता है, जिसे अजगर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। अजगर होता है नॉन वेनमस स्नेक और ये होता है सबसे अधिक खतरनाक, ये साक्षात काल है। धक्कन दे पर इसे कहीं पर रामन कहीं फूसी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम भैया दूरी से ला के रखेंगे, बहुत अच्छा है ना। अच्छे अच्छे आदमी साफ से डरते हैं। और इसे हम कैच कर चुके हैं, अभी तत्काल ही जाकर पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर से आजाद कर दिया जाएगा। कभी भी किसी व्यक्ति को इसका सर्पदंश हो जाए, तत्काल नज़दीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर पहुँचें। इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है और जब यह स्नेक किसी को काटता है, तत्काल गैंग्री नाम का एक रोग उत्पन्न हो जाता है बॉडी में, जिससे हमारी शरीर की त्वचा गलने लगती है, सरण उत्पन्न हो जाती है। और बहुत ही खतरनाक एक और बात है, हर सर्प के सर्पदंश दो होते हैं, इसमें चार सर्पदंश होते हैं। विष दंश जिन दांतों से जहर निकलता है वो चार होते हैं। और यह स्नेक अंडे नहीं देता, डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है। और एक बार फिर मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूँ जो इस दुकान के मालिक हैं। आइए भाई साहब, आपको इसने कैसे देखा गया था, आपकी नज़र कैसे पड़ी थी इतने खतरनाक सांप पे? सर ये काउंटर के पास, हाँ एकदम से हमें माने कुर्सी पे बैठे थे, अच्छा तो काउंटर के पास देखा एकदम से अचानक। जी हाँ जी, ये बहुत ही खतरनाक स्नेक है। आपने अभी बोला था अजगर, इसे अजगर समझने की भूल ना करें। अजगर होता है बगैर जहरीला, उसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता, लेकिन नहीं होता है जहर। हाँ, लेकिन जिस जगह पर काटता है तो कम से कम आधा किलो को मांस लेके निकले घसाते हैं, क्योंकि उसको बहुत चबड़ा बहुत फैलता है और अपने से, हाँ अपने से तीगुनी चार गुनी चीज को लगलने की शक्ति रखता है, जे है रसल वाइपर। ये जो चैन सरी की बनी है ब्लैक ब्लैक डॉट, ये इसकी पहचान है।
कुकर की सीटी जैसी साउंड निकालता है लंबा। हाँ, निकाला था ना। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में, पर्यावरण की धरोहर को पर्यावरण पर आजाद करते हुए। भाई साहब अब आपको कैसा लग रहा है, खतरा आपकी दुकान से चल गया तो? हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आप सुकून से? नहीं तो हम दुकान के अंदर नहीं घुस पाते। जी हाँ, आपकी दुकान में क्या कितने बड़े बड़े चूहे थे जी। ये बेचारा, इसकी गलती नहीं है, अपनी दुकान में बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, बिस्कुट, नमकीन और भी कुरकुरे, बहुत सारे खाने वाले लड्डू, मिठाई, गुड़ और गल्ला भी है आपकी दुकान में, है ना? तो उनको खाने के लिए चूहे पहुँचे, चूहों का पीछा करते करते ये सांप पहुँचा है। और आपसे एक निवेदन और कर दूँ, तीन चार जगह जो बड़े बड़े बिल हैं, थोड़ी सी सीमेंट मंगा के उनको पैक कराए, है ना, जिससे कि दोबारा ऐसे ना हो पाए। और दुकान में थोड़ी साफ सफाई रखें, बहुत फैली है दुकान आपकी, निवेदन मैं करता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। इसी के साथ मिलता हूँ थोड़ी देर बाद फिर, जब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। दोस्तों अभी हम डिंडौरी जिला के एक गांव जो कि निवास से 18 किलोमीटर दूर बिछिया ग्राम है, वहां पर साहू जी की किराना दुकान से एक एशिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक रसेल वाइपर स्नेक कहा जाता है, जो हीमोटॉक्सिन नाम के जहर से लैस रहता है और इसके चार विषदंत होते हैं। अगर यह स्नेक किसी को वाइट कर देता है, गैंग्री नाम का एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे बॉडी में सड़न उत्पन्न होती है। और इसे हम पर्यावरण है जी, हमारे निवास रेंज की वो 862 कंपार्टमेंट है, ऑरेंज एरिया जिसे अजगर पहाड़ी कहा जाता है, यहाँ सुरक्षित स्थान पर जंगल पर छोड़ने के लिए पहुँचे हैं। और हमारे साथ हमारे रूप और परिवार के ग्रेट अप्लायन मिस्टर श्रीमान राकेश ओयाम जी हैं, जो कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं, आगे आप उनके मुखार बिंद से सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सिंह ओयाम, रूट प्योर एडवाइज़र टीम, फाइटर टीम आनंद से। दोस्तों हमें बड़ी गर्व की बात होता है, हमें खुशी होती है कि हमारे बीच में ऐसे पर्सनालिटी हैं जो हमारे बीच में रूट प्योर टीम फाइटर में हैं, जो हमारे डाउनलाइन हैं मिस्टर रंजीत सिंह ठाकुर जी हैं, जो बहुत अच्छा है, जो सांप रेस्क्यू जो करते हैं, सांप पकड़ते हैं। तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि लोगों का एक समाज सेवा भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जिस घर में भी अगर ये कहीं भी सांप ये मिलते हैं तो उनको मारना ही है दोस्तों, उनके भी जीवन है, उनको हमें बचाना है, वो प्रकृति का देन है पर्यावरण में, तो उनको हम रेस्क्यू करते हैं। जब भी ऐसा मिलता है तो हम इस वीडियो के माध्यम से नंबर रहता है बुला सकते हैं रंजीत सिंह ठाकुर जी को। हमें खुशी होती है कि हमारे फाइटर टीम में है और जस्ट फर्स्ट लेवल भी अचीव करने वाले हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। जय हो रूट प्योर। और हमारे बीच में ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत अच्छा सांप का रेस्क्यू करते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जय हो रूट प्योर। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ हमारे ग्रेट अपलायन राकेश सिंह ओयाम सर का। और मैं इस स्नेक को रसल वाइपर जो कि 5 फीट की जंप करके भी किसी को वाइट कर देता है, इसके 4 विषदंत होते हैं, या स्नेक अंडे नहीं देता, डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है और एक बार में 80 से 100 बच्चों को जन्म देता है, जिसे मैं पर्यावरण पर छोड़ने के लिए पहुंचा हूं। देखिए मैं दिखाता हूं और इसे छोड़ता हूं पर्यावरण पर। कैमरामैन थोड़ी दूर से फोकस करेंगे डिब्बे के अंदर, देखेंगे बॉडी प्रेस की अंतर इतना बना के रखें कि वाइट भी करे तो आप तक ना पहुँचे, है ना, सिर्फ डिब्बे के अंदर की पोजीशन दिखाना है आपको, दिखाई दे रहा है आपके कैमरे में, है ना, रसेल वाइपर ऐसे मैं छोड़ता हूँ। जी ऐसी आई डायनामिक स्नेक रसेल वाइपर। देखिए निकलने वाला है, कैमरा दीजिएगा मुझे, आप एंकर बना कर रखेंगे। ये देखिए डब्बे से इसका हीचिंग साउंड सुन सकते हैं आप,
बेस का साउंड है जो कि बहुत तेजी से आ रहा है, और मैं इसे छोड़ूंगा। देखिए बहुत फुर्ती से पर्यावरण पर आजाद स्नेक पत्तों के नीचे छुप गया है। सर दूर रहिएगा आप, क्यों किसी भी वक्त कहीं पर भी जंप कर सकता है, ऐसे हम डिस्टर्ब नहीं करते। इसने अपने योग्य छुपने की स्थान ढूंढ चुका है। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। दोस्तों अपने सेफ जगह में पहुंच चुके हैं, इसलिए बहुत अच्छा है, उनको अच्छा गुड फील हो रहा होगा क्योंकि अपने सही स्थान में पहुंच गए हैं, और कोई डर भी नहीं है उनको, कोई भय नहीं है, जंगल में है। तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है, और आज सामने मैंने फेस टू फेस भी देखा, इसके पहले मुझे तो पता नहीं था, मैं देखा था वीडियो, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा गुड फील हुआ था कि हमारे बीच में ऐसी पर्सनालिटी भी हैं जो कहीं ना कहीं खतरों के खिलाड़ी हैं, और इस ऐसे जानवरों का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। थैंक यू सो मच, हम ये बोलना चाहेंगे। और बाकी जो है ठाकुर जी अपने दो शब्दों से बात करके अपने मैं करेंगे। मेरी सभी से अपील है, सभी मित्रों से, कि किसी भी प्रकार के वन्य जीव जंतुओं को नहीं मानना चाहिए, इनका बचाव करना चाहिए। ये स्नेक हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, अगर स्नेक नहीं होंगे तो अत्यधिक चूहे होंगे। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको दो शब्दों में, अगर कीट पतंगों को चिड़िया नहीं खाएंगी तो मनुष्य से ज़्यादा कीट पतंगे होंगे, और चिड़ियों से भी ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े किल्ली वगैरह होंगे। इसी प्रकार से अगर स्नेक चूहों को नहीं खाएगा तो संसार में इतने चूहे होंगे कि हमारी मानव जाति कम पड़ेगी। अगर स्नेक को मोर नहीं खाएगा तो स्नेक इतने ज़्यादा होंगे कि जिसमें हमारी मानव जाति कम पड़ेगी। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, आगे आप सब लोग जानते, इसी के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो, जब तक ले जय हिंद जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, जय रूट प्योर, जय रूट प्योर, जय हिंद।